खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी, आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। अयोध्या राम जन्मभूमि ट्रस्ट के बैंक अकाउंट से 6 लाख रुपए के फर्जीवाड़े की खबर सामने आई है। इस खबर के सामने आते ही अयोध्या प्रशासन के बीच हड़कंप मच गया है। दरअसल राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का SBI में एक बैंक अकाउंट है। इस अकाउंट में ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र को सिग्नेचर अथॉरिटी दी गई है। बुधवार दोपहर को चंपत राय के पास SBI से एक फोन कॉल आया, जिसमें उन्हें बताया गया कि बैंक में एक 9,86,000 का चेक जमा हुआ है, क्या इसका भुगतान किया जाना है। इसके बाद चंपत राय ने उन्हें कहा कि वो चेक बुक को देखकर उन्हें बताएंगे। असल झटका चंपत राय को तब लगा जब बैंक की तरफ से बताए गए चेक नंबर वाले चेक उनकी चेक बुक में लगा हुआ था। उन्होंने इसकी जानकारी तुरंत बैंक को दी तो बैंक ने बताया कि अब से पहले भी लाखों रुपए के 2 चेक का भुगतान किया जा चुका है। 1 सितंबर को 2,50,000 और फिर 3 सितंबर को 3,50,000 का चेक PNB में ट्रांसफर किए गए। 6 लाख के इस फर्जीवाड़े की जानकारी लगते ही चंपत राय ने FIR दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस की टीम पूरे मामले की तहकीकात अभी कर रही है। तो अयोध्या राम जन्मभूमि ट्रस्ट के बैंक अकाउंट से जुड़ा ये मामला है और फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस इसकी जानकारी में जुट गई है और साथ ही साथ लगातार जाँच की जा रही है। जाँच पड़ताल में लग गई है पुलिस, तमाम दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। समय 1500 बजे श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव श्री चंपत राय जी द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया, जिसमें अंकित किया गया था कि ट्रस्ट के अकाउंट से लगभग 6 लाख रुपए फर्जी चेक द्वारा पैसे भी डाक कर लिया गया है। इस संबंध में FIR अंकित कर दी गई है। इसकी जानकारी गहनता से की जा रही है। शेष विधिक कार्रवाई हेतु एक टीम रवाना कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमें शंका तब हुई कि जब एक ही आदमी, एक ही व्यक्ति और 1 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर को 3 चेक लगा रहा है, इसी में पूछा उन्होंने। बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता। मयंक श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा जानकारी के साथ। मयंक, अयोध्या राम जन्मभूमि ट्रस्ट के बैंक अकाउंट में फर्जीवाड़े का ये पूरा मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल पुलिस की जांच आखिर पहुंची कहाँ तक है, क्या ताजा अपडेट है? 6 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया है और अभी फिलहाल हालांकि पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है। जांच का आधार बहुत जल्दी जहां से जानकारी हुई है वो जल्दी किया जाएगा। जी बिल्कुल मयंक, लेकिन इसके साथ ही जहां से फर्जीवाड़ा हुआ है क्या वहां के बारे में कुछ पता चल पाया है, क्या जानकारी उसको लेकर मिल रही है? महासचिव चंपत राय का कहना है कि जहाँ से जा सकते हैं लखनऊ से इंडिया से जहाँ हुआ है वहाँ से हम लोगों ने बात की है कैसे किस तरीके से हुआ है और उस चीज के वहाँ के जो लखनऊ के जो है मैनेजर उससे बात हुई है, बात होकर उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन हालांकि अभी ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने साफ कहा है कि जब वहाँ से जानकारी मिलेगी तो पूरी जानकारी आप लोग को दे सकते हैं किस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ। ठीक है पंकज, आप नजर बनाए मयंक आप नजर बनाए रखिएगा और आगे जो भी जानकारी होगी हम तक पहुंचाते रहिएगा। तो फिलहाल आपको बता दें कि लगातार पुलिस अभी जांच में जुट गई है, अभी तक ये पूरा मामला एक्सपोज नहीं हुआ है क्योंकि लगातार जांच जारी है, लेकिन जैसे ही इसमें कुछ अपडेट आता है वैसे ही हम आपको बताएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अयोध्या राम जन्मभूमि ट्रस्ट के बैंक अकाउंट में फर्जीवाड़े का ये पूरा मामला सामने आया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।